उत्तराखंडमध्ये यांची पहाडी भाषा खूपच गोड आहे. हे आहेत पूरण सिंह. अच्छा, मेरा नाम है पूरण सिंह. हाँ, एक्चुअल में मैं नेचर गाइड का काम करता हूँ, बर्ड वॉचिंग और गाइड. और बिनसर अल्मोड़ा से हम आते हैं और अभी हम हैं शीतलाखेत, बिनसर अल्मोड़े का एक पार्ट, जहाँ पे छोटे छोटे झरने हैं और आप देख सकते हैं अच्छा सा घना जंगल है. ये ब्रॉडली फॉरेस्ट है, चौड़े पत्ते वाले. और यहाँ पे एक्चुअल में बांज है, और बांज और बुरांस का कॉम्बिनेशन वाला जंगल है. बहुत ठंडा रहता है. और कुछ यहाँ पे हमारे जो कुमाऊनी लोकगीत है उसमें से एक फल आता है जिसको बारबेड बहुत खाता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं बेड़ू. और यहाँ पे गोपाल बाबू गोस्वामी जो हमारे थे, उन्होंने एक गाना गाया था और वो बहुत सुंदर गाना है. एक्चुअल में बेड़ू जो है वाइल्ड अंजीर की छोटी वेराइटी है, और उसको गाया करते थे वो, बेड़ू पाको बारू मासा ओ नरणी का फल पाको चैता मेरी चैला रूण झूण बरखा लगी ओ नरणी का फल पाको चैता मेरी चैला बेड़ू पाको बारू मासा ओ नरणी का फल पाको चैता मेरी चैला. बिनसर अल्मोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बिलोंग करता हूँ. हाँ, और वहाँ पे हम 2001 से अभी टूरिज्म से जुड़ा वर्क काम करते हैं. उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के पर्यटक आते हैं, जैसे कुछ नेचर लवर हैं जो प्लांट के बारे में, बॉटनी वाले, और कुछ आते हैं हिमालयास के देखने के लिए, और सनराइज सनसेट, और बहुत सारे डीप जंगल हैं हमारे पास वहाँ पे, ओक फॉरेस्ट. बट बहुत कम लोग आते हैं, जैसे आपने कहा कि बर्ड वॉचर जो बाहर से उनको पता नहीं रहता है, और वहाँ पे भी बर्ड दिखाने वाले गाइड मिल पाएंगे या नहीं, कम्युनिकेशन बेस और नेट की असुविधा की वजह से कई टाइम पे दिक्कतें आती है. और आज के दौर पे बर्ड वॉचिंग एक ऐसा फेस्टिवल बन चुका है, वो धीरे धीरे हर स्टेट में मनाया जाता है एक्चुअल में. और ऐसे उत्तराखंड में भी 2-3 बर्ड फेस्टिवल हो चुके हैं. और अभी हम हैं शीतलाखेत पे, और यहाँ पे भी मिक्स फॉरेस्ट है चारों ओर, हम देख सकते हैं चीड़ के जंगल है और बांज बुरांस तिलौंज बहुत सारा अच्छा है. ये हम जो ट्रैक कर रहे हैं 3-4 किलोमीटर के करीबन साई देवी शीतलाखेत से जा रहे हैं अभी, और एक मिडिल पॉइंट पे है हम यहाँ पे, और बहुत अच्छा पाइन के कारपेट बिछी हुई है. अब कब से कर रहे हैं ये? हम अभी टूरिज्म 2001 से कर रहे हैं, और एक्चुअल में हमने बहुत समय हिमालयास ट्रैक के यहाँ पे पिंडारी सुंदरडूंगा मिलम आदि कैलाश ओम पर्वत बहुत सारे जो वहाँ पे भी अलग अलग बर्ड मिलते हैं. बहुत सारे लोग मोनाल देखने वहाँ जाते हैं. अच्छा, हिमालयन मोनाल जो हमारा स्टेट बर्ड है, सेवन कलर बर्ड. अच्छा, है ना. और सटाई ट्रोगोपोन अभी वहाँ पे पाया जा रहा है. अच्छा, और हमारे जो लोअर पार्ट में रहता है वहाँ पे चीड़ फिजेंट मिलता है. चीड़ है, कोकलास है, कलीज है, बहुत सारे फिजेंट वेराइटी है. अभी हमारे जो एरिया है लगभग फॉर्बेट में अलग है, वहाँ पे 600 करीबन पंछी मिल सकते हैं. और हमारे ऊपर का जो बेल्ट है वहाँ पे 200-250 बर्ड्स आराम से मिल जाएंगे. अच्छा, स्पीसीज अलग अलग, उसमें देखना पड़ता है किस एरिया में कितने हैं. 200-250 टाइप्स ऑफ बर्ड्स यहाँ दिखते हैं. अब इनका अलग स्पेशल मैं आपको बताता हूँ कि क्या है. तो ये जब बर्ड वॉचिंग करते हैं ना, तो बचपन से कैसे किया, जब पहाड़ों में रहने वाले बंदा है तो इनका बर्ड के बहुत आवाज़ निकलती है. आवाज़ जैसे हमारे बारबेड निकलते, अभी जैसे हम सामने में कर रहे थे एशियन बर्ड, ये आपका कॉलर डाउलेट के कॉल ना, ये अभी हमारा क्या है कि उसको छोटे छोटे जो पंछी है कई टाइम पे बर्ड वॉचर जो है उनको अट्रैक्ट करते हैं, और छोटे छोटे बर्ड वॉचिंग वहाँ पे की जाती है. कुछ सीबिया रूफा सीबिया की कॉल है नॉर्मली, है ना. कुछ अलग जे आते हैं ऐसे जो साउंड करते हैं, यूरेशियन जे या कॉमन मैना. और अभी जैसे इसमें ही ऐसे जो साउंड करते हैं आपके ब्लू थ्रोटेड बारबेट. अच्छा, तो बहुत सारे बर्ड है यहाँ पे, बहुत सारे साउंड आपको सुनने को मिल सकते हैं. एक्चुअल में उनको एकदम साइलेंट प्लेस पे बैठ के, आप बारबेट का लार्ज स्केल पे है वो अलग अलग
साउंड करते हैं, कॉल करते हैं, और कुछ वुड पेकर हैं जो बहुत छोटे से, वो आपका हिमालयन वुड पेकर है ना, जो ब्राउन फ्रंटेड वुड पेकर, स्टॉप करके वो कॉल करते हैं। तो अलग अलग टाइप के वुड पेकर और देखो ऐसे पहाड़ के लोगों को आप देख रहे हैं।